रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम सीख रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सेंटेंस। हमने पिछले लेसन में सुना था, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस द कंप्लीट थॉट। वो जो एक सोच को करता है, इट एवरी सेंटेंस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एंड्स विद पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन में फुल स्टॉप भी हो सकता है और क्वेश्चन मार्क भी। लेट्स प्रैक्टिस, अब हम इसकी मशक करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपको मशक जो है वो कामिल बनाती है आपकी। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाते हैं उतने बेहतर होते जाते हैं। ये जुमले को रीराइट करें, आवर क्लास गोज टू द लाइब्रेरी, हमारी क्लास लाइब्रेरी जाती है। आपको पता है कि लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, और किताबें जो हैं वो खाली अल्फाज नहीं होते, उनमें जगह होती हैं सैर के लिए और उनमें लोग होते हैं मिलने के लिए। तो प्यारे बच्चों, बुक्स पढ़ने की आदत डालें। तो असल में नॉलेज इज नॉट पावर, इल्म ताकत नहीं है, इल्म को नाफिज करना ताकत है। जो आप कोर्स की किताबें पढ़ते हो, ये आपको लिखना पढ़ना सिखाती हैं, लेकिन इसके साथ आपको जिंदगी गुजारने के तरीके, लाइफ स्किल जो है वो दूसरी किताबें पढ़नी आनी चाहिए। कि जो आप पढ़ना लिखना उर्दू इंग्लिश सीखते हो, उससे दूसरी किताबें सीखो, ताकि आप में खुद शनासी आए, हमदर्दी हो, तजिया करना आए, नया सोच, फैसला करना, मसाइल का हल सोचना, मौसर बातचीत करना, आपस के ताल्लुकात, परेशानी से बचना और जज्बात का सही इस्तेमाल। ये आपको सारी चीज़ें कोर्स के अलावा जो किताबें हैं, जो बहुत मशहूर मुसन्फ़ों ने लिखी हैं, वो पढ़ के मिलती हैं। जैसे अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है, ज़िंदगी शम्मा की सूरत ओ खुदाया मेरी, आपको ज़बानी आती होगी। अपनी ज़िंदगी को शम्मा की मानिंद बनाएं, ताकि पता चले कि आप इल्म वाले हैं, आप इल्म को नाफिज करते हैं, रोशनी हो, आप दुनिया के अंधेरे दूर करें, आप जिस तरह अपने फूल की तरह जीनत बने, और आपकी तालीम जो है वो आपको गरीब और ज़ईफों, आपको दर्दमंद बनाए, मोहब्बत करने वाला बनाए। अगर आप ऐसे नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है कि आप अल्लामा इकबाल के बयान के मुताबिक तालीम हासिल नहीं कर रहे। तो हम इसको देखते हैं, वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, आपने जुमला अपना चेक करना है। तो आवर में ओ बढ़ाएगा, आवर क्लास गोज टू द लाइब्रेरी, और फुल स्टॉप आएगा एंड में। अगला जुमला है, डज द लाइब्रेरी हैव मैनी बुक्स। अब जो स्कूलों की हालत है, उसमें तो लाइब्रेरी होती नहीं है, तो बुक्स क्या है। लेकिन जुमले को रीराइट करें आप, कि डज द लाइब्रेरी हैव मैनी बुक्स। अब ये एक सवाल पूछा गया, तो आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें। तो जब डज, डू या व्हाट, वेयर, व्हेन लगता है, तो एंड में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, शाबाश। डज द लाइब्रेरी हैव मैनी बुक्स। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, तो उसका हल ये है सादा सा, कि आप थोड़े थोड़े पैसे करके महीने में एक किताब तो चार पाँच दोस्त मिलकर खरीद सकते हैं, और उसके लिए आपको अपने शहर में, गांव में सेकंड हैंड किताबों की शॉप्स होती हैं, जहाँ पे बहुत सस्ती किताबें मिल जाती हैं। तो आप पहले पढ़ना तो शुरू करें, बेशक कहानियों की किताब से पढ़ना शुरू करें। वी डू नॉट स्पीक इन द लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में सब लोग पढ़ रहे होते हैं, तो हम बोलते नहीं है। कीप साइलेंस का मतलब होता है खामोशी इख्तियार करना। अब यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें और इस जुमले को रीराइट करें, शाबाश। वी डू नॉट स्पीक इन द लाइब्रेरी, वी कैपिटल आएगा और लाइब्रेरी के बाद फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इज द लाइब्रेरी क्लीन, क्या ये लाइब्रेरी साफ है। तो हमने यहाँ पे वीडियो स्टॉप की, आपने, आपको पता है कि जब सवालिया जुमला होता है, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, तो उसके एंड में क्या आता है, शाबाश, क्वेश्चन मार्क। तो इज द लाइब्रेरी क्लीन, क्या लाइब्रेरी क्लीन है। जी हाँ, हमें लाइब्रेरी के अलावा अपना हर कमरा साफ रखना चाहिए। All the students take care of the books. All the students take care, किताबों की हिफाजत करते हैं। यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें। आपको अपने बैग में जो किताबें हैं, उनकी भी हिफाजत करनी चाहिए, उनके पेपर नहीं फाड़ने चाहिए। तो all the students take care of the books. All में A capital हो जाएगा और books के बाद full stop आएगा। When can we take the books home? हम क्या किताबें घर ले जा सकते हैं? तो आप देखें कि ये भी सवालिया जुमला है, तो जब सवालिया जुमला आता है, तो उसके एंड में पंक्चुएशन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क आता है। शाबाश, आपने बिल्कुल सही पहचाना। व्हेन कैन वी टेक द बुक्स होम, हम कब किताबें घर ले जा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आज के सबक से हमने क्या लेसन सीखा, शाबाश।
अब आप इस सबक के होते हुए क्या आपका अमल होना चाहिए कि आप अपनी कोर्स की बुक्स के अलावा भी किताबें पढ़ें, और सबसे दुनिया में बेस्ट किताब जो है वो कुरान मजीद है, और आप कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें, खाली अरबी पढ़ना नहीं, उसको समझ के पढ़ें, उस पर तदब्बुर करें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कहानियाँ छोटी छोटी किताबें मिलती हैं वो पढ़ें, ताकि आपको अपने नबी के बारे में पता चले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कितना प्यार करते थे, बच्चों के साथ अपने नवासे नवासी को अपने कंधों में बिठाते थे, क्योंकि एक सुन्नत में अमल करना 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।